हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा डंगवाल और आज हम देखेंगे कुछ फूड एंड ईटिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, जिनका यूज़ आप अपने खाने के टेबल पर तो नहीं, पर हाँ अपनी डेली लाइफ कन्वर्सेशन में ज़रूर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा माय कप ऑफ टी। माय कप ऑफ टी, इस एडियम का मतलब है कि कुछ ऐसा करना, कोई ऐसा काम जिसमें आप बिल्कुल ही परफेक्ट हैं और वो काम करना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तब हम यूज़ कर सकते हैं एडियम माय कप ऑफ टी का। और दूसरा है हमारा नॉट माय कप ऑफ टी। ये हमारा बिल्कुल अपोजिट है माय कप ऑफ टी का। और इस एडियम का मतलब है कि कुछ ऐसा करना जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप उस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, तब हम यूज़ कर सकते हैं नॉट माय कप ऑफ टी का। और हमारा थर्ड एडियम है डिश द डर्ट। Dish the dirt, इस idiom का मतलब है कि किसी के बारे में कुछ ऐसा कहना जो बिल्कुल भी सच नहीं है, एक तरह से किसी के बारे में अफवाह फैलाना, वही है dish the dirt का मतलब। और हमारा next idiom है eat the dirt। Eat the dirt मतलब कि किसी के सामने झुक जाना और वो आपके साथ जो बुरा बर्ताव कर रहा है उसको चुपचाप सहन कर लेना, यही है ईट द डर्ट का मतलब। और हमारा नेक्स्ट एडियम है टू हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट। और टू हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा काम होना, बहुत ज़्यादा काम होना या फिर करना किसी को भी पसंद नहीं होता, बट वेन इट्स कम टू फूड तो कोई भी मना नहीं करता। एंड आवर नेक्स्ट एडियम इज टू बी स्पून फेड। टू बी स्पून फेड मतलब के बिना कुछ करे ही सब कुछ मिल जाना, बिना किसी हार्डवर्क के सब कुछ आसानी से मिल जाना। और हमारा सेवेंथ idiom है ईट वंस हार्ड आउट। ईट वंस हार्ड आउट मतलब के अंदर ही अंदर किसी से जलना, किसी के लिए नेगेटिव सोच रखना, पर हाँ ये आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हमारा लास्ट एडियम है टू ईट द हम्बल पाई। ईट द हम्बल पाए मतलब कि आपको पता है कि आपकी गलती है और उस गलती के लिए माफ़ी मांग लेना, किसी से अपोलोजाइज करना, वही है टू ईट द हम्बल पाए का मतलब। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।